एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ तीन डिफरेंट आई मेकअप जो कि काफ़ी अच्छे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। एंड आप ब्राइडल के लिए, पार्टी के लिए ये सारे आई मेकअप ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट तो आप देख रहे हो जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कट क्रीज लाइट मेकअप है ये, बहुत प्यारा लगेगा। आप इसको पार्टी वार्टी के लिए, वेडिंग के लिए या फिर कहीं थोड़ा सा डार्क मेकअप चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और इंस्टाग्राम का आईडी जो है वहाँ पे दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, @PreetTiwari24, तो आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ लाइनर लगाया था और जो कट क्रीज पे आई शेडो लगाया है वो नीचे भी ज़रूर लगाएगा। डबल विंग्स वाली मैंने यहाँ पे आईलाइनर इस तरीके से लगा था। दिस इज़ द माय फाइनल लुक इस आई मेकअप के साथ और बहुत प्यारा लग रहा था, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये मीशो से मांग टीका मैंने मंगाया था। अब जो नेक्स्ट आई मेकअप है वो मैं अपने हाथों पे कर रही हूँ, तो मैंने आईब्रो पेंसिल की मदद से इस तरीके से आईब्रो ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि आँखों पर तो एक ही बार मेकअप की जा सकती है, तो अभी तुरंत वॉश नहीं कर सकती थी, तो मैंने दूसरा मेकअप हाथों पर ट्राई कर लिया था। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने पूरा आईब्रो का शेप दे दिया है यहाँ पे। अब इस तरीके से आईब्रो का शेप देने के बाद से कैसे हमको पता चलेगा कि हमको आई मेकअप कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके के ब्रश से। एंड नीचे में इस तरीके से आईज का शेप दे देती हूँ ताकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आई मेकअप कम्प्लीट करेंगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक लिप आउटलाइनर पेंसिल, इसको इस तरीके से कट क्रीज की जगह पर लगा दिया है। इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी लाइट पिंक कलर का आई शेडो लेके ब्रश में। पहले इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, फिर मैंने आई शेडो ब्लेंडिंग वाला ब्रश लिया है, उसमें पिंक कलर का शेड उठाया है और इस तरीके से जो लाइन है हमारी उसके ऊपर ऊपर इस तरीके से लगाते जाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर गोल्डन कलर का आई शेडो लेंगे और इस तरीके से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत प्यारा सा आई मेकअप बनने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेकर आ पाऊँगी। एंड लाइव आने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है और गाइज सॉरी मैं लाइव नहीं आ पा रही थी उसके लिए, बट मैं आज रात को 9 बजे लाइव आऊँगी, तो आप लोग मुझे ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। तो आईब्रो थोड़ा सा शेप में दिक्कत लग रही थी, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे आईब्रो पेंसिल से शेप को परफेक्ट दे दिया है और आईब्रोज के जस्ट नीचे मैंने हाइलाइटर लगाया है, ब्लश पैलेट में से वाइट कलर वाला हाइलाइटर लेके। उसके बाद हमने यहाँ पे कंसीलर लिया है और जो कट क्रीज बनाई थी उसके जस्ट नीचे इस तरीके से एक परफेक्ट लाइन देते हुए इस तरीके से लगा दिया है। ओके, वाओ कितने अच्छे से शेप हमारा यहाँ पे बन गया है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जो उसमें ब्रश है कंसीलर में, उसी ब्रश की मदद से। ओके, बहुत प्यारा लगेगा, आप ये ब्राइडल्स पे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा पसंद आएगा उन लोगों को भी। बस उनके ड्रेस से मैचिंग कलर आप यूज कर लीजिएगा। ये जो मेकअप बता रही हूँ जो रेड लहंगा होता है वाइन कलर का, उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। अब इस पर मैंने वाइट वाला आई शेडो लिया है एंड इस तरीके से सेट कर ले रही हूँ कंसीलर को। और इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ, अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, तो आप क्या डेली स्किन केयर रूटीन में क्या चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, वो है सनस्क्रीन। तो आप सनस्क्रीन ले लीजिएगा इस, अगर आपको आपके स्किन पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सनस्क्रीन आप डेली वे में ट्राई करोगे। ऐसा मत सोचिए कि आप घर में रह रहे हो तो आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है। आप सनस्क्रीन लगाओगे तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने दोबारा से पेंसिल लिया था, उसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया, उसके बाद जस्ट मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लिया, उस पेंसिल के ऊपर लगा दिया एंड ब्लैक कलर का आई शेडो दोबारा सॉरी आईलाइनर जेल आईलाइनर लेके इस तरीके से लगाया है। एंड लो वाटर लाइन पे भी आप इस तरीके से वाइन कलर का आई शेडो लेके ज़रूर लगा दीजिएगा, उसके बाद ही काजल और आईलाइनर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आप अपना आई लेसेज अप्लाई कीजिए। ये तो आई सॉरी हाथ पे बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरीके से पेंसिल से ही कर ले रही हूँ, लेकिन आप आईज पे आई लेसेज लगा लीजिएगा। आई लेसेज लगाने का परफेक्ट तरीका कि किन किन चीज़ों को मिस्टेक करते हैं तो आई लेसेज अच्छे से नहीं लग पाती है, उन सबकी वीडियो डिटेल में डाली हुई है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से फाइनल रिजल्ट है और वाइट कलर का यहाँ पे मैंने ग्लिटर लेके इस तरीके से अप्लाई किया था, बहुत प्यारा सा आई मेकअप बना था। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं थर्ड वाले आई मेकअप की तरफ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को इस तरीके से निकाल दोगे और जहाँ पे लाइनर कम लग रहा है वहाँ पर दोबारा से अप्लाई कर देंगे।
तो कैसा लगा आपको ये वाला आई मेकअप? आई होप कि पसंद आया हो। तो चलिए थर्ड आई मेकअप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आपने देखा, सेकंड ये है, थर्ड कुछ अलग सा बताएंगे। तो इसके लिए भी मैंने आईब्रोज को इस तरीके से ड्रॉ किया है एंड अच्छे से फील कर देंगे। ओके, आईज का शेप बना लेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लेके इस तरीके से लगा दिया है, फिर यहाँ पे आईज का शेप बनाया है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा, बिल्कुल इजी वे में, बहुत इजी तरीके से आप ये आई मेकअप ब्राइडल्स को दे सकते हो और कट क्रीज भी बन जाएगी विदाउट कंसीलर अप्लाई किए। तो यहाँ पे फिर मैंने इस तरीके से लगा दिया। मैं आई शेडो पैलेट में से पिंक कलर का कलर लेके इस तरीके से क्रीज अपर क्रीज क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी। ओके, कभी भी आई शेडो लगाते टाइम ब्रश को इस तरीके से राउंड राउंड शेप में घुमाना चाहिए, ना कि बराबर बराबर। ओके, उसके बाद हम डार्क वाइन कलर लेंगे और इस तरीके से आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक। फिर ब्राउन कलर का सेट लिया है और इस तरीके से अप्लाई किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्किन कलर का लेंगे, सॉरी गोल्ड वाइट कलर का लेंगे और इस तरीके से फ्रंट में अप्लाई कर देंगे। बहुत प्यारा लगने वाला है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से अप्लाई कर दिया है। अभी हम लोग थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का आई शेडो लेके इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कट क्रीज हमने बनाया ही नहीं, तो कट क्रीज कैसे बनानी है? आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, हाइलाइटर लगा के अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो, बट अगर कट क्रीज बनानी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर का ब्राउन कलर लेके इस तरीके से अप्लाई कर दे रहे हैं ताकि लुक जो है वो अच्छे से आ जाए। आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है, कंसीलर को इस तरीके से दबा के ब्रश को थोड़ा फ्लैट कर दिया है और इस तरीके से कट क्रीज बनाएंगे। वाओ, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाइएगा और बिल्कुल परफेक्ट लाइन आनी चाहिए। इसके ऊपर आप कोई ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो ताकि इसका लुक और अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे ये लाइट दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का आई शेडो लेके और इसके ऊपर ऊपर इस तरीके से लगा दूँगी ताकि ये और हाईलाइट होके अच्छे से दिखाई दे कट क्रीज हमारी। कल मैंने बनाया था साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना सुंदर हमारा कट क्रीज यहाँ पे बन के रेडी हो गया विदाउट कंसीलर लगाए। अब हम क्या करेंगे, हाईलाइटर लेंगे। हाईलाइटर इस तरीके से वाइट कलर वाला लिया है और यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे और आईलाइनर लगा के आईलैशेस लगाएंगे और अपने लुक को कंप्लीट करेंगे। मुझे तो ये सेकेंड वाला मतलब थर्ड वाला ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ईजी वे में बहुत ही अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत सा आई मेकअप है ये। ओके, अब इस तरीके का ब्रश लिया है, जेल आईलाइनर लेंगे देन अप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनको भी आई मेकअप करने का शौक है या फिर आई मेकअप सीख रहे हैं या फिर अच्छा लगता है आई मेकअप, तो वो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास तक शेयर कीजिएगा। और पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई तो आई लाइक शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने कल मैंने बनाया था ये वाला बन हेयर स्टाइल जो कि काफ़ी इजी है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से आप साड़ी के लिए खूबसूरत सा बन बना सकते हो और पार्टी वार्टी में यू ट्राई कर सकते हो। और जिसके पतले हल्के बाल है वो भी ये बन ट्राई कर सकता है एंड गजरे के साथ इसको कंप्लीट करके वेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा हाई बना के अगर छोटी हाइट की दुल्हन है तो उन पर भी ट्राई कर सकते हो, उस पर पल्लू सेट कर दोगे। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की मुझे